हेलो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। आप सभी को सुप्रभात। आई होप आप सब मस्त होंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं पस्त हो रही हूँ आजकल पस्त हूँ। और कल मैं डॉक्टर में गई थी तो डॉक्टर साहब बोले बुखार है मेरे का नहीं, मतलब जुकाम है मेरे का नहीं, मतलब सिर दर्द है मेरे का नहीं, पैर कमर दर्द है मेरे का नहीं। तो डॉक्टर बोले तो है क्या, तो बस कुछ नहीं, मतलब कि ये था कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन की कमी हो गई होगी बॉडी में, इसलिए थोड़ी सी थकावट और घबराहट जैसी महसूस हो रही थी, बाकी कुछ नहीं। बाकी उन्होंने थोड़ा पानी पीने को ज़्यादा कहा कि पानी पियो खूब सारा, तो लगभग 4 लीटर तो मैं रेगुलर पीती हूँ, लेकिन मेरी बॉडी को 6 लीटर भी आराम से सूट हो जाता है पानी, 6 लीटर। कई लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, किडनी फेल हो जाता है, ये हो जाता है, सो हो जाता है, लेकिन मैं जितना पानी पीऊँ मेरी बॉडी उतनी एक्टिव और एनर्जेटिक रहती है। तो फिलहाल तो मैंने झाड़ू कर लिया है और पोछा कल मैंने आराम से बैठ के, मतलब हाथ से मारा था, और हाथ से पोछा मारने में बिल्कुल चकाचक होता है ना, मतलब 2 दिन तक अगर आदमी पोछा ना भी मारे तो भी मस्त रहता है। तो कल हाथ से पोछा मारा था, तो आज मैं स्किप कर रही हूँ पोछा, मैंने सिर्फ झाड़ू मार रहा है और चमक ही रहा है घर, मतलब कि हाथ से पोछा मारो तो ठीक रहता है। बाकी बच्चा पार्टी मेरा ऐसा है कि गंदा नहीं करता है, गंदा करेगा तो डर के मारे साफ भी कर देते हैं। तो बाहर देखो कितनी भयंकर धूप लगी है, और आदित्य भाई साहब बना रहे हैं अपनी बड़े भाई की घड़ी, कह रहा है कि मुझे पूरा याद है कि पापा ने कैसे बनाई थी, और ये अंदड़ा पिंदड़ा सब गाड़ी लिए घड़ी का। ये जो गोला है ना, इसके अंदर ये जो है ना, ये कवर इसके अंदर ये गोले नहीं थे, एक बड़ा है छोटा, मेरा तो छोटा वाला निकल गया था, जैसे पाप ने लगाया उस टाइम में मेरे दिखने लग गया, ये तो लगाया सा फिर भी नहीं। अच्छा, तो ये मैकेनिक साहब बना रहे हैं घड़ी, और दूसरा मैकेनिक साहब, ये तो मैकेनिक है, और दूसरा भाई साहब ने अपने लिए, मतलब इन दोनों के लिए बनाई है मैगी, कौन सी वाली, नॉर्मली जो बच्चे पसंद करते हैं, और बहुत अच्छी बनाई है मेरे आदर्श ने। हाँ, और किचन कुछ इस तरीके से फैला दी है आदर्श ने, तो मैं तो नहीं खाऊंगी वाली मैगी, मैं बनाऊंगी अपने लिए पत्तियों से हरी मिर्च टमाटर प्याज वाली सूप वाली मैगी, ओनली एक पैकेट। तो मेरी मैगी अब बनेगी, चाय का पतीला यहीं पे रखा हुआ है, और साथ में है बॉयल अंडा, तो मैगी और सिर्फ बॉयल अंडा है अभी नाश्ते में। इतनी भयंकर धूप लगी है बाहर देखो, और मैं ये चीनी लेके आई थी, इसमें छोटी छोटी चींटियाँ लगी है, मैंने इसको धूप में रखा हुआ है, और बंदर नहीं आना चाहिए वरना बंदर सारा फैला देगा। तो चलो भाई पहले करते हैं अपने बासी मुंह, बस्याण मुंह को साफ, मैंने अभी तक ब्रश नहीं कराया, ब्रश करती हूँ। और मेरी शक्ल कैसी हो गई यार, 2 दिन में ही शक्ल बदल गई है हमार, मेहनत करनी पड़ेगी फिर से शक्ल सुधारने के लिए। कोलगेट भी अंतिम सांस ले रहा है, देखो को पिचका पिचका के यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। तो मैं आ गई हूँ अपने लिए मैगी बनाने के लिए, और मैगी बनाने के लिए मेरे पास है प्याज, आधा टमाटर कद्दूकस करा हुआ, और आधा टमाटर मैंने बचा लिया है क्योंकि एक पैकेट मैगी में ज़्यादा हो जाएगा, और ये है टमाटर का छिलका। यनु माहुलु कनु जुमन मायानी जोड़लु, जुमन मायानी जोड़लु, खेल माया कुना खेल पछताने पोड़लू, खेल माया कुना खेल पछताने पोड़लू, मालो गिरालो का बीच खिली सकनी आगो। तो चलो भाई कूड़ा कबाड़ा भी यूज हो गया है, कूड़ा कबाड़ा मेरे लिए, और ये आंखों के नीचे की स्किन को भी काफ़ी ब्राइट कर देता है, मतलब होते ना डार्क सर्कल वगैरह, भगवान की कृपा से मेरे नहीं है, लेकिन लगा देती हूँ मैं कभी कभी इसको। चलो मैगी बनाती हूँ मैं अपनी। तेल हो गया है गरम, इसमें डाल देते हैं हम अपना प्याज। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच केचप, और इसका टेस्ट बिल्कुल मस्त हो जाता है। थोड़ी सी लाल मिर्च एंड थोड़ा सा नमक, पानी, ये देखो
ये तो है बिना मसाले वाला कलर मस्त। और अब इसमें डालना है मैगी और मैगी मसाला। यार किसी फेरी वाले से एक बार सूट ले लो या फिर किसी को कबाड़ दे दो तो वो सोचते हैं कि बस रोज़ इनके घर कबाड़ है, रोज़ फेरी वाला ये सोचता है रोज़ ये सूट ले लेगी। तो अभी भी गेट पर खड़ा था, काफ़ी देर तक खड़ा था, मतलब रोज़ कबाड़ कौन रोज़ देगा आदमी क्या कबाड़। और सूट भी एक बार ले लो ना तो उसके बाद बस हफ्ते में दो दो बार पहुँच जाते हैं, ये ले लो ये ले लो ले लो ज़बरदस्ती ले लो। तो जब तक मेरी मैगी बनती है तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, पूरी बोतल घटक जाते हैं। आदित्य आ गया अपने सर्दियों के ग्लव्स निकाल के, गन शूटर शूटर बना हुआ है और सर्दियों में ये लापता कर देगा तब तक ये ग्लव्स। कुछ नहीं करना, मैं रख देता हूँ। तो मेरा पानी भी खत्म हो गया, मैं चलती हूँ मैगी लेके आती हूँ। कुकू को गुस्सा आ गया है कि अल्लू अर्जुन की मूवी नहीं देखने दे रही है। अल्लाह व्याकंठमपुरम जा तू भी जा, तू क्या परमिशन लेने बैठा है। मैं तो बस कोई बात कर। बच्चा पार्टी अपना खाना ठूसते हुए, दिन का खाना बन चुका है हमारा। आज मैंने बनाई है राजमा और भात बड़े आवाज, और उसके साथ में दही में डाली मैंने प्याज। अलग से सलाद नहीं खाऊंगी, दही में ही डाल दी मैंने, और दही के साथ खाएंगे राजमा को इस तरीके से। यह कुकू का चीनी का डब्बा आ गया है दही खाने के लिए। न जाने क्या होता है ये। बैठ गया आदित्य, सो के उठ गया और आदित्य की सुस्ती नहीं जा रही है। पहले तो मुझे सुस्ती आ रही है और मेरे सामने इतना सुस्त आदमी बैठा हुआ है ये। तेरे बिन सन सने यो लगदा, जो देखे रूहन सकूं चिते चोर नकरा तेरा। तो भाई अब है मेरी चाय पीने का टाइम दगड़ू, और मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इतनी नींद आ रही है मुझे, अभी भी नींद आ रही है जबकि सोके मैं उठी, लेकिन अभी भी मेरी आंखें बंद हो रही हैं। ऐसी नींद पता कब आती है, जब मैं मायके जाती हूँ तब आती है मुझे, ऐसे घना घोर के नींद ही नींद आती है। मायके में जानूँ तो अलग ही, मतलब कि जो यहाँ की पूरी थकान होती है ना, थकान तो क्या आती है लेकिन जो भी है थोड़ी बहुत थकान होती है जो सब मायके में निकलती है। और मायके में आराम से उठो 7 बजे 8 बजे कभी कभी 9 बजे, और मेरे पापा बहुत डांटते थे कि इतना टाइम हो गया उठ अभी तक सोई है, तो इतनी भयंकर नींद आती है। सभी को आती है मेरे ख्याल से, मायके में सब सुस्त हो जाते हैं, मतलब मन चाहो मतलब लेटे रहो खाओ लेटे रहो घूमो फिरो कोई टाइम ही नहीं होता, ऐसे मज़े रहते हैं मायके में। ससुराल में चाहे कुछ काम ना भी हो ना तब भी मतलब इंसान झिझक के मारे बैठ भी नहीं सकता अच्छे से। तो बस यही अंतर है मायके में और ससुराल में। गाइस तो मेरी चाय भूल गई है, लेकिन उसको पकड़ने वाला जो बर्तन को पकड़ने वाला है वही नहीं मिल रहा मुझे। मिल गया मिल गया, बस अंदर रख दे। तूने पकड़ लिया तो तू खाएगा ठीक है, कैच इट। अबे गुतड़ू कैच नहीं कर पाया। चांद को देखो, अब ये चांद तब पूरा होगा जब क्या आएगा हमारा करवा चौथ, उस दिन पूरा होगा। और अभी ना आंगन में बहुत बढ़िया हवा चल रही है ठंडी ठंडी। मैं आई हूँ थोड़ी सी वॉक करके, मेरे साथ आई थी सुहाना भी, सुहाना भी उधर चले गई, और फिर अभी आएगी वो मेरे आंगन में। सुहाना घर जाने से मना कर रही है, सुहाना कह रही मैं ताई के साथ रहूँगा। तू रात को सो जाएगी मेरे साथ हैं? चल तो आ चल, तेरी मम्मी को भी यहीं बुला दे चल आज, है ना। इधर आ इधर आ इधर आ। तेरे बाबा ते खानो के अनमोल ये बहुत गंदा पता भी देगा तो हैं। हम तो खूब मंद डुगोर ने पूरे घर की लाइट्स ऐसे ऑन कर रही हैं, पूरी लाइट्स ऑन करके रखी हैं। पेपर किस चीज का है कल? मेरा सस्ता है। वाह देखो, मेरा सस्ता है। अभी अभी इनकी टीवी बंद हुई है और साथ में नोट अभी नहीं हुई।
नोट अभी जब मैं बाहर में थी बेटा आंगन में तब टीवी की आवाज़ आ रही थी, आवाज़ तो हमारी थी। जैसे ही मैं अंदर आई सामने पे एडवांस में नोटबुक खोल के रखी है। आवाज़ हमारी थी, हम वो डंप कर रहे थे उसमें। अच्छा तो ये हाल है बच्चों के, चालाक बच्चे हैं आजकल के चालाक। आज बन रही है हमारी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी हम लोग बहुत कम खाते हैं, मैं बहुत कम लेती हूँ डर के मारे, लोग कहते हैं ना इसमें कीड़ा होता है ये सो वगैरह वगैरह, और कुछ मौसम में मतलब अभी ऐसी आती है कि घिन लगती है बहुत गंदी गंदी, खासकर बरसात में। लेकिन अभी तो फिलहाल ठीक है, अच्छी पत्ता गोभी थी तो एक ले ली मैंने, और पत्ता गोभी इतनी महंगी हो रखी है, 50 रुपये किलो हो रखी है पत्ता गोभी, तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए हम कद्दू तोरी और चंक्स और वगैरह वगैरह यही सब्ज़ी खाते हैं ज़्यादा। तो आज बहुत टाइम बाद पत्ता गोभी बन रही है। आदित्य को मैंने यहाँ बिठाया है अपने सामने पढ़ाई करवाने के लिए, वरना ये आपस में खिच करते हैं रवि भी। अब मैं पी रही हूँ रामदेव बाबू जी का बेल का जूस। पहले मुझे बहुत ख़राब लगा लेकिन अब ठीक लगता है, बढ़िया है। हाँ पीने आज मुझे अपनी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही है, बस वो ये था कि डॉक्टर के पास जाना है बस और कुछ नहीं। मतलब डॉक्टर ने मल्टी विटामिन्स दी, बाकी कुछ नहीं बोला, बल्कि डॉक्टर को हंसी आ रही थी कि ना आपको बुखार है ना जुकाम है ना बदन दर्द सर दर्द कुछ नहीं है, तो हो क्या रहा है। मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थकान महसूस हो रही है बॉडी में, बस इतना ही था। और डॉक्टर ने मल्टी विटामिन्स का सिरप दिया, बस मैं वही लेके आई क्योंकि फालतू मैंने दवाई ली नहीं, फालतू दवाई खा के फ़ायदा क्या है। बीपी भी एकदम मतलब सही था, एकदम सही था जो होना चाहिए। तो कुछ नहीं दिया डॉक्टर ने, एक सिरप दिया पीने को और बोला खाओ पियो ऐश करो खा पी तो रहे हैं लेकिन हो जाता है कभी कभी। सब्जी मैंने रख दी, आटा मैंने अभी मलना है और आटा मलने में तो मुझे और भी आलस आता है। तो गाइस हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, हमने खाना खा लिया था लगभग 2 घंटे पहले, अभी टाइम हो गया 11 बज चुके हैं और 1 घंटा देखी हमने मूवी और आधे घंटे से लगे हैं पापा के साथ बात करने पे वीडियो कॉल पे, और अब जाके वीडियो कॉल कटा है और मुझे अब इतनी भयंकर नींद आ रही है, मैं कब से कह रही हूँ इसके पापा को फ़ोन काटने पे, तो फिलहाल फ़ोन काट लिया उन्होंने और मैं फटाफट से उनका वीडियो शूट कर लेती हूँ। बल्कि सो गाइज ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं नए दिन के साथ। ओके टाटा बाय, हैव अ गुड नाइट।